एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व विद वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये समझना बड़ा इजी होना क्योंकि इस कुछ नवा नहीं है, सिर्फ एक्स का रोल वाई नो मिल गया है ना, तो वाई का रोल एक्स नो। जिदा स्टार्टिंग च किसी टाइप वन च कि अगर एक्स एक्स से लेना होंगे तो असी करते हैं वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो अपन अगर एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी एरिया चाहिए, सो दैट इंटीग्रेशन वॉज, हाँ जी, इतों से वाई की वैल्यू कटते सी एक्स की टर्म च, है ना, वाई एरिया लेना एक्स से डी एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। एंड पैरेलली की हो जाएगा कि अगर मैनू हूँ एरिया चाहिए, अच्छे कोई आ कर्व है, हूँ ये एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई लभांगे, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो पहला कर्व जी है वो एक्स की वैल्यू वाई की टर्म च लभ लेंगे, तो हूँ क्योंकि वाई एक्स देना चाहिए तो फ्रॉम वाई इक्वल टू ए, है ना, दिस इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी विद वाई एक्सिस, अगर आ एरिया चाहिए है ना, एरिया हूँ मैंने वाई पर चाहिए, तो दैट इज इंटीग्रेशन वाई दी लिमिट्स, ठीक है, एक्स डी वाई, इंटीग्रेशन वाई पे एरिया ले रहे हैं और फंक्शन जो एक्स की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ वाई इतने वाई की टर्म च रख देंगे इतने, तो वाई तो एरिया आ जाऊगा, ठीक है। सो अगेन ये कोई नवी चीज़ नहीं है, पहलियाँ वाले टाइप्स, बट एक्स का रोल वाई नू देता, वाई का रोल एक्स नू। अच्छा, अगर जिम्मे टाइप टू से मतलब आ सीन हो एक्स एक्सिस, यहोजी सिचुएशन है कुछ, और तुसी पहला काम की कर लिया एक्स लाभ लिया एज अ फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, तुझे काम कर लिया। तो अगर वो कहता कि आ एरिया दो वाई इक्वल टू ए तो लैके वाई इक्वल टू बी, एरिया बाउंडेड बाय दिस फंक्शन विद वाई एक्सिस फ्रॉम वाई इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी। अच्छा, ईजी करने से पता कि तुसी की करो, जब मैं एरो बनाया ना, तुसी पहला डायग्राम बना लो एंड कापी नू फिर रोटेट कर लो, है ना, तो आसान होगा समय ना। तो हुण आ जिहड़ा एरिया वाला ये सॉर्ट ऑफ जिदा एक्स के नीचे होंदा सी ना, तुसी कापी नू घुमाओगे तो आ वाला वाई दे सॉर्ट ऑफ नीचे, तो ये एरिया कढ़न लग्या की करांगे इंटीग्रेशन मॉड लवेंगे, है ना, तो इतने सी ले लो। सो स्टार्टिंग आ छोटा आ ए, तो ए तो लैके सी तक, क्योंकि ग्राफ वाई दे सॉर्ट ऑफ नीचे है ना, लैफ्ट साइड नू मैं नीचे कह रहा, तो एक्स दे इधरों वाई दे लैफ्ट नू राइट, इतने आप ले लेंगे मॉड, क्योंकि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू नैगेटिव आनी है ना, मॉड ऑफ एक्स डी वाई, ठीक है, और सी तो लैके बी तक है ना वध रहे हैं, इदा उपर नू वध रहा पे राइट, सी तो लैके बी तक यदा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक्स डी वाई राइट। और मान लो जी लास्ट टाइप से टाइप थ्री कुछ यहोजी डायग्राम हो, है ना, जिमें लच्छे अपर कर्व है कोई, ठीक है, वाई इक्वल टू बी, तो लच्छे वाई इक्वल टू ए राइट। ये बड़ा जरूरी है कि तुसी डायग्राम बनाओ, जिदा मान लो आ सपोज करो आ, वो कहता जी आ वाला एरिया दसो, एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स, ठीक है, दिस इज लेट्स से एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई लाभ लिया और आ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई लेट्स से जी वाई, ठीक है। अच्छा, आ चाहिए एरिया नाउ तुसी की करो, मैं एरो बनाया, डायग्राम बनाओ, रोटेट द नोटबुक, हुण इधरले व्यू पॉइंट देखोगे, कापी घुमा के देखोगे कि आ थोड़ी अपर कर्व है, ठीक है, लोअर कर्व है, और लोअर कर्व हमेशा अपर कर्व दे नीचे और स्टार्टिंग पॉइंट तो लैके एंडिंग पॉइंट तक, दिस इज नथिंग बट द एरिया बाउंडेड बिटवीन दैम, है ना, और एरिया बाउंडेड बिटवीन या तो जिमें एस एक्सिस का तो रोल ही नहीं है, ये पोर्शन भावें टोटली एक्स के इधर होंगे च भावें इधर बच्चे उचाले भावें नीचे, तो ये की आएगा एरिया जरा रिक्वायर्ड एरिया वाला, दैट इज हाँ जी ए तो लैके बी तक, ठीक है, एक्स अपर आ वाला दैट इज एफ वाई माइनस एक्स लोअर एदी एक्स की वैल्यू, ठीक है, जी वाई डी वाई थोड़ा एरिया आ जाएगा,
ठीक है, बाकी प्रॉब्लम करांगे ते वी विल सी। तो इहदे च दो तरह दा यूज हो सकदा। पहला ते जे ओ इन आप ही कह दे कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस विद वाई एक्सिस, है ना, या ऑन वाई एक्सिस, जिवें देखांगे कई बार की हुंदा ये मेंशन नहीं करेगा कि ऑन वाई लो या विद वाई लो। वो आपां डायग्राम बनावांगे और वेखांगे यार जे एक्स ते ओही एरिया लैंदे आ ते थोड़ा लंबा पैंदा है, और अगर ओही वाई ते लैंदे आ ते ईजी हो जांदा। ठीक है, सो लेट मी जस्ट गिव यू ऑल द पॉसिबल एग्जांपल्स। पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ले लो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लेट्स से वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर विद वाई एक्सिस, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम वाई इक्वल टू 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 वाई इक्वल टू थ्री। ठीक है, थोड़ा बेसिक जो एग्जाम्पल है थोड़ा पता लग जाए थोड़ा। सो कहें एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हुण आ ते तुहानू पता लग गया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ एदे चों देखो आपां एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई लभना है। ठीक है, तो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई लभोगे तो की आएगा, एक आएगा प्लस रूट वाई, एक आएगा माइनस रूट वाई। तो जिहड़ा आ वाली ब्रांच है, ठीक है, आड़ी में बनाई डार्क कीती है, दिस इज एक्स इक्वल टू प्लस रूट वाई। ठीक है, कैन वी सी ए एक्स पॉजिटिव है और दूजे जिहड़ी है एक्स इक्वल टू माइनस रूट वाई, तो वो नैगेटिव एक्स वाली नीचे वाली ब्रांच है, राइट। तो अगर तुम इधरों वेखोगे ना, कापी रोटेट करके वेखोगे, आ हो गया अपर वाली ब्रांच, आ सॉर्ट ऑफ लोअर वाली ब्रांच। तो आ जी ब्रांच है एदी क्वेश्चन की आ गई एक्स इक्वल टू प्लस रूट वाई। ठीक है, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ विद डिफरेंट कलर। आ थोड़ी आ गई एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई। ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट किया तो इस करके मैं सिर्फ आ वाली ली है विद वाई एक्सिस फ्रॉम वाई इक्वल टू टू, इतने वाई इक्वल टू टू। ठीक है, दिस इज द लाइन वाई इक्वल टू टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दी वाई एक्सिस दे नाल पहले क्वाड्रेंट च वाई इक्वल टू 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 वाई इक्वल टू थ्री, तो आ वाला एरिया आ गया रिक्वायर्ड। ठीक है, नाउ यू कैन सी के एरिया इज गिवन बाय वाई इक्वल टू 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 थ्री एक्स डी वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट वाई डी वाई। ठीक है, आ थोड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, सो ये तो है कि उन्हें कहता है कि एरिया बाउंड कराओ वाई दे नाल। तो हम एक आ एग्जाम्पल देखो, मैं कहाँ के फाइंड द एरिया बाउंडेड विद द कर्व्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, अ क्वेश्चन है, कहता फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, सो लेट अस सी साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या हो जाता पुत्र, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन वर्स एक्स माइनस वन तो लेके वन तक। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ इफ यू रिमेंबर माइनस वन टू वन ए हो जाता है। ठीक है, तो इतने उपरों शुरू होता है, दैट इज द कॉस इनवर्स एक्स। सो आ हो गया वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ग्रीन वाला हो गया वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और कितने मिलते हैं एक्स इक्वल टू वन बाई अंडर रूट टू, है ना। दोनों दे वाई बराबर करो, पॉइंट इंटरसेक्शन अब लो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, है ना, क्योंकि इनवर्स एक एंगल है थीटा मान लिया, एक्स इक्वल टू साइन थीटा एंड एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। पाई बाय फोर नहीं कहना, कई बार गलती हो जाती, तो एक्स इक्वेट कर दो, टेन थीटा इक्वल टू वन, थीटा आ गया पाई बाय फोर, थीटा इतने रखो पाई बाय फोर, एक्स सही है, एक्स आ गया साइन पाई बाय फोर वन बाय रूट टू। एक्स की वैल्यू वन बाय रूट टू, तो आ पाई बाय फोर है, आ पाई बाय टू। अच्छा क्वेश्चन फिर तो पढ़ते हैं, कहते एरिया बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू साइन वर्स एक्स, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एंड एक्स एक्सिस। तो किड़ा है बेटे, आ साइन वर्स का ग्राफ आ बाउंड्री, तो आ वाला कॉस इनवर्स का, है ना, जितने मैं मार्कर घुमा रहा हूँ एंड एक्स एक्सिस, तो रिक्वायर्ड एरिया पुत्र आ वाला। ठीक है, आ ठीक है। अच्छा हुण देखो, अगर मैं कहाँ एरिया, तो अगर तुसी पुराने
जो एक्स ते लैंदे हो ते सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, जीरो तो लैके वन बाय रूट टू तक, हाँ जी, एदी ग्रीन दी वाई दी वैल्यू किन्नी है, साइन वर्स एक्स डी एक्स, ठीक है, आ वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है, इत्थे तक आ साइन वाला, ते फिर वन बाय रूट टू टू वन, फिर आ वाला एरिया आ जाएगा, समझ आई गल, सो टोटल ऐड हो जाएगा, सो वन बाय रूट टू टू वन, एदी वाई दी वैल्यू किन्नी है, कॉस इन वर्स एक्स डी एक्स, ठीक है, नो एदी इंटीग्रेशन साइन वर्स एक्स दे पुत्र बाय पार्ट्स वन इंटू करके कर सकते हो है ना, और कॉस इन वर्स एक्स दी वन इंटू कर लो या पाई बाय टू माइनस साइन वर्स एक्स कर लो, सो ए इंटीग्रेशन थोड़े को हो जाएगी, सो दिस गिव्स दिस टोटल एरिया ए, राइट। नो अगर मैं तुम्हें कहाँ अ डायग्राम बना लो, इधरों वेखो, रोटेट योर कॉपी, नोटबुक घुमा लो, और अगर इधरों वेखोगे ए तुहाडा की है, अगर वाई दे रिस्पेक्ट देखते हो, आ थोड़ी जीरो तो लैके पाई बाय फोर तक आ अपर कर्व है, ठीक है, और आ लोअर कर्व है, ठीक है, दिस इज एक्स अपर और आ डी ब्रांच है, आ जितने मैं मार्क मारे थे, एक्स की वैल्यू कितनी है, कॉस इधर ले जाओ कॉस वाई, सो एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई आ वाली ब्रांच, लोअर दी एक्स की वैल्यू कितनी है इतों, एक्स वाई इक्वल टू साइन वर्स एक्स, एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो यदा एक्स है साइन वाई, तो कैन यू सी, इधरों वेखो, नोटबुक रोटेट करो, जीरो तो लैके पाई फोर तक आ अपर है आ लोअर है, तो एरिया ये कड़ा बेटे बाउंडेड बिटवीन दैम, तो अगर वाई दे रिस्पेक्ट देखते हो दैट इज एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस टू कर्व फ्रॉम जीरो टू पाई फोर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो आ वाला एरिया जड़ा है दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज फ्रॉम वाई इक्वल टू जीरो टू वाई इक्वल टू पाई बाय फोर, एक्स अपर विच इज नथिंग बट कॉस वाई माइनस एक्स लोअर विच इज नथिंग बट साइन वाई डी वाई, तो आ भी यही है अगर मैं वाई रिस्पेक्ट ले लें, ठीक है, हुण आई गेस आ ते बहुत ईजी है इंटीग्रेट करना, इतने आप बाय पार्ट लाना पैना सी, इतने साडा आसान हो गया, ठीक है, तो क्योंकि आ क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन का थोड़ा स्कूल च नहीं आता बट यू शुड नो राइट, और ऑब्जेक्टिव च मल्टीपल चॉइस दे सकते समटाइम्स के एरिया कि बराबर है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट लिया तो आ एक्स के रिस्पेक्ट कटिया आ मैं कड़ लिया वाई के रिस्पेक्ट, राइट, एंड मोर ओवर दिस इज ईजी टू कैलकुलेट, ठीक है, तो जिदा एक होर एग्जाम्पल देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मैं कहाँ कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स, ठीक है पुत्र, तो पहला काम करते हैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दैट इज अ राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है, यहो जहा कुछ पैराबोला, 0 0 थे लाओ वर्टेक्स, ठीक है, ठीक है, आ लाइन कितना दी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, ठीक है, पुट एक्स 0 वाई 2 एंड वाई 0 एक्स 2, तो आ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, दिस इज 0.2 2.0, सो एरिया बाउंडेड बिटवीन देम कहना, तो आई नीड दिस ऑरेंज कलर्ड एरिया, ठीक है, नाउ लेट अस गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चलो तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, वाई दी वैल्यू या एक्स दी वैल्यू पुट कर दो, वी हैव वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इज 2 माइनस वाई, देयरफॉर वाई स्क्वायर प्लस वाई, तो वाई आ गया 1 एंड माइनस 2, तो मतलब आ वाला पॉइंट है यदा वाई कोऑर्डिनेट आ गया 1 एदा माइनस 2, अच्छा हुण एड़ा एरिया पुत्र इनू मैं थोड़ा पहला विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस लैके दिखाना जिड़ा कि बहुत ईजी है, तुम की करो अगेन डायग्राम बना ली कापी न रोटेट करके वेखो जरा, इधरों वेखोगे थोनों आ लाइन अपर नज़र आएगी है ना, आ अपर कर्व है आ लोअर कर्व है, तो माइनस टू तो लैके वन तक वाई इक्वल टू माइनस टू टू वन, दिस इज अपर दिस इज लोअर, तो एक्स अपर है, तो एक्स अपर किन्नी है बेटे लाइन दी एक्स अपर है 2 माइनस वाई, और कर्व दी एक्स किन्नी है वाई स्क्वायर, तो कर्व दी एक्स है वाई स्क्वायर, सो वेरी इजी है ना, इधरों वेखो अपर माइनस लोअर वाई द रिस्पेक्ट, सो वाई इक्वल टू कितों लैके एस पॉइंट, तो माइनस टू तो लैके वन तक, ठीक है, एक्स अपर आ वाला माइनस एक्स लोअर विच इज वाई स्क्वायर डी वाई,
छोटी जी इंटीग्रेशन थोड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नो ए द बेनिफिट है। हुण उन्हें किया थोड़ी कि विद रिस्पेक्ट टू वाई लो या वाई एक्स नाल एरिया बाउंड लो, उन्हें कोई गल नहीं की। तो तुसी एरिया ड्रॉ किया, फिर तुसी देखिया कि आसान केड़ा है। ठीक है, ईजी हुण आ वाई ते है। अगर मैं एक्स ते लैंना, ठीक है, एक्स ते भी थोड़ा लैके विखाना है, तुहानू आइडिया होवे कि जस्ट इन केस कितने मतलब ऑब्जेक्टिव पुछ लैन के एक्स के रिस्पेक्ट लीए तो की इक्वेशन बनती है। अच्छा, ये यूनीक नहीं है, कई सारे तरीके लै सकते हैं। पहला जिमें देखो, क्योंकि आ जी पैराबोला है ये वाई स्क्वेयर है ना, तो मतलब जी अपर ब्रांच है आ वाली, यदि इक्वेशन प्लस रूट आएगी, तो यदि इक्वेशन है वाई इक्वल टू प्लस अंडर रूट एक्स, नीचे वाले की आएगी हाँ जी एस ब्रांच की वाई इक्वल टू माइनस रूट एक्स, पहला तो आ गया आ जीरो। हुण एक मिनट सोचो जरा, आ वाला पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट से माइनस टू, तो वैन वाई इज माइनस टू एक्स इज फोर, तो आ पॉइंट आ गया थोड़े को 4,0, दिस इज 2,0। अच्छा हुण सुनो जरा, इतों आप करते हैं लैट अस ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, दिस इज यद एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन से ना वाला 1,1। हुण एवें करो, 0 तो लैके 1 तक आ अपर ब्रांच की इंटीग्रेशन कर देने एक्स ना, वह बिल्कुल डबल कर देंगे उन्ना ए आ जाएगा, तो दैट इज़ 2 टाइम्स 0 तो लैके 1 तक इंटीग्रेशन ऑफ हाँ जी वाई अंडर रूट एक्स डी एक्स, प्लस 1 तो लैके 4 तक। हुण इतों वेखो, 1 तो लैके 4 तक ग्रीन वाली अपर है, ठीक है, इतों लैके तक आ ग्राफ हमेशा उपर है, और आह वाली जी ब्रांच है आ हमेशा ये नीचे, ठीक है, कैन वी सी एंड पॉइंट देखो वो विचाले हमेशा अपर है तो लोअर है, तो इन विद रिस्पैक्ट टू एक्स लैने, तो दिस इज वाई अपर, एच वाई की वैल्यू कि पुत्र 2 माइनस एक्स, सो 2 माइनस एक्स अपर माइनस लोअर, जी लोअर ब्रांच है आह वाली पुत्र, यदि वाई की वैल्यू कि है माइनस रूट एक्स अपर माइनस लोअर डी एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू 1 टू एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, सो तो आ प्लस हो जाना आ थोड़ी इंटीग्रेशन करके थोड़ा आह एरिया आ गया। ठीक है, दैट वॉज क्लियरली वाई एक्स इज रिस्पैक्ट च काफ़ी ईजी सेगा। ठीक है, तो अगर सबजैक्टिवली आता है या ऑब्जैक्टिव भी होंगे तो उदा ही करा, जे कि पूछ लए है ना ऑब्जैक्टिव कई बार कहें कि इफ वी टेक ऑन एक्स एक्सिस या एडवांस कितने मल्टीपल चॉइस आ जाए, तो आह एक्स रिस्पैक्ट लैके आया पहले वाला वाई रिस्पैक्ट लैके आया से। ठीक है, नैक्सट एग्जाम्पल देखो बेटे, कि क्वेश्चन देख लो, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 विद वाई एक्सिस फ्रॉम वाई इक्वल टू लेट्स से 0 टू वाई इक्वल टू 2। ठीक है, सो लेट अस सी, हुण वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 पैराबोला राइट हैंडेड, वट एक्स कितने आ एक्स माइनस माइनस 1, सो यद वट एक्स है पुत्र हाँ जी -1,0 इतें एंड अगे पॉजिटिव है तो राइट हैंडेड है, सो दिस इज अ राइट हैंडेड पैराबोला विद वट एक्स -1,0। ठीक है, अच्छा कितने एक्स नू मिलता है वाई नू, पुट एक्स 0 वाई स्क्वायर इज 1 वाई इज प्लस 1 तो आ नीचे -1, तो हुण कहिंदा एस ग्राफ का एरिया विद इतने वाई एक्सिस आना विद वाई एक्सिस फ्रॉम वाई इक्वल टू 0, आ वाई इक्वल टू 0 आ वाई 1 है, टू वाई इक्वल टू 2 इतने कितने 2 होगा, तो हुण अगर तुम देखो वाई इक्वल टू 0 तो लैके वाई इक्वल टू तक एस कर्व का एरिया विद वाई एक्सिस क्या है, तो वाई दे नाल एरिया बाउंड आ वाला। ठीक है, नाउ क्लियरली इधरों वेखो, तो आ वाला पार्ट सॉर्ट ऑफ वाई दे नीचे है ना, इतने मॉड आऊगा इतने ऐदा ही आ जाएगा, तो करना कि पहला एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई लभ लो, सो एक्स यदि इक्वेशन आ गई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर -1, सो देयरफॉर एरिया आ वाला जिहड़ा इहनू मैं A1 कह दा, इहनू A2, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज A1 प्लस A2, हाँ जी A1 इंटीग्रेशन वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अगर दिक्कत लगती यू कैन ऑलवेज रोटेट द नोटबुक है ना, मैंने ना स्क्रीन उल्टा सकता तो घुमा सकते हो 0 टू लैके 1 तक, हाँ जी आ वाला क्योंकि नीचे इतने मॉड एक्स डी वाई वाई स्क्वायर -1 डी वाई प्लस
एक तो लेके दो तक ठीक है, एक्स टी वाई कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर यान तो इंटीग्रेशन थोड़ा डायरी आ जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट लिख लो, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, ठीक है, दिस एंड टेंजेंट टू द पैराबोला एट 3,2 विद एक्स एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन किए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला, पहली कर्व आ, दूजी टेंजेंट टू दिस पैराबोला एट दिस पॉइंट विद एक्स एक्सिस। तो अगेन लेट अस प्लॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट कर दें, ठीक है। नाउ ये भी स्कूल से नहीं आता दिस ऑल्सो, ओनली फॉर कंपटीशन। सो पहला थे राइट हैंड पैराबोला है, वर्टेक्स कितने है 2,1 थे, ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला 2,1 वर्टेक्स, तो थोड़े को पैराबोला आ गया, ठीक है, दिस इज 2,1 एंड टेंजेंट टू द पैराबोला एट 3,2, 3,2, सो 2 माइनस 1 1, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई करता, 3,2 कितने होगा पुत्र, ऐसे कितने, ठीक है, एक्स कॉर्नर 2 है, 3 समथिंग ऐसे कितने होगा, 3,2 थे टेंजेंट ड्रॉ किया, सो लेट अस ड्रॉ द टेंजेंट, राइट। आज सानू पॉइंट पता नहीं, इधरों भी हो सकती जा ग्राफ, इधरों भी जा सकता है, लेट्स ड्रॉ, राइट। तो पहले तो आप एरिया बना लीजिए, तो एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड टेंजेंट टू द पैराबोला विद वाई विद एक्स एक्सिस, तो एरिया जो चाहिए आ वाला चाहिए, ठीक है, ओके। हुण अगर मैं कहाँ कि किदे च आसान है लेना, हुण उन्हें भावें एरिया विद एक्स एक्सिस किया, उन्हें यह नहीं किया कि इंटीग्रेशन एक्स रिस्पेक्ट करनी है, जो तुम एक्स से लेंदे हो तो प्रॉब्लम बड़िया सारिया, क्योंकि आ जो वाई स्क्वायर है ए अपर ब्रांच की इक्वेशन प्लस अंडर रूट ना आएगी, है अगर ए लिखनी हो फिर माइनस अंडर रूट ना अड अड एरिए करने पैने, बट इफ यू सी कॉपी रोटेट करो डायग्राम बना के, इफ यू सी फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, आ लुक एट दिस, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लाइन द इंटीग्रेशन, आ वाई कोऑर्डिनेट 0, एदा वाई कोऑर्डिनेट 2, तो इधर तुम देखोगे आ थोड़ी अपर कर्व आ गई है ना, ब्लू वाली अपर है और आ लोअर है, वाई रिस्पेक्ट वाई इक्वल टू 0 तो लेके वाई इक्वल टू 2 तक, एक्स अपर पैराबोला द एक्स कर लो, आ 2 इधर ले जाओ, दैट इज वाई माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2, एक्स अपर माइनस एक्स लोअर, एक्स लोअर की है टेंजेंट द, और वो करना आसान है, वो असं इतने पुट कर देंगे, एक्स अपर माइनस एक्स लोअर डी वाई, आ थोड़ा एक लाइन च आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ आ टेंजेंट की इक्वेशन तुम बड़े आराम ना कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर लो, सो पहला डिफरेंशिएट 2 टाइम्स वाई माइनस 1, ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वाई डैश इज इक्वल टू 1, सो वाई डैश आ गया, ठीक है। सो सानू स्लोप चाहिए, कहते थे वाई इक्वल टू 2 थे, सो 2 माइनस 1 1 आ गया 1/2, स्लोप आ गया पुत्र टेंजेंट की, पॉइंट पता है, इक्वेशन आ जाएगी वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स एक्स माइनस 3, अपन एक्स चाहिए ना, तो एक्स आ गया 2y-4 एंड +3 इक्वल टू एक्स, एक्स आ गया थोड़े को 2y-1, तो यदि लाइन का एक्स आ गया 2y-1, तो इतने प्लग कर दो, ठीक है। तो आ फायदा, हुण उन्हें कहा कुछ नहीं है कि एक्स से लो वाई से लो, बट तुम वेखना है कि मैनू एक्स से आसान है या वाई से आसान है, ठीक है, हालांकि भावें बाउंडेड विद एक्स एक्सिस क्या है, इज दैट क्लियर। तो दैट इज अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल दैट गिव यू द व्यू कि नहीं यार एक्स से लेने तो काफ़ी लंबा जाता है, ठीक है, क्योंकि यदि इक्वेशन अड अड है फिर तुम यू नो यू गट टू ड्रॉप परपेंडिकुलर एंड सो ऑन, बट ए थोड़ा आसान है, ठीक है, यही चीज़ का ख्याल रखना होंगे, और अगर ये दो चार चीज़ा क्लियर है फिर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी करने लग गया क्वेश्चन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एरिया बाउंडेड बिटवीन 2y² दिस एंड 3y² इक्वल टू 1-x, ठीक है, क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो पुत्र अगेन पहला तो कर्व कि पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, ठीक है, वर्टेक्स 0 0, चलो ए कोई मसला नहीं है, इन्हों तो ड्रॉ कर ली, ठीक है, दिस इज
आ वाला ते आ वाला किदा ना बेटे, 3y² इक्वल टू माइनस कॉमन एक्स माइनस वन, तो इधर वर्टेक्स 1,0 थे, ठीक है, एंड अगे माइनस है लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, तो ये लाइक ऐदा होगा तो समवेयर इतने मिलूगा जाके वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप कर लेने, सिमेट्रिकल ग्राफ बिल्कुल, ठीक है, दिस इज 1,0, सो लेट अस फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वेट कर दो ना, सो माइनस एक्स बाय टू इज इक्वल टू 1 - x/3, समझे गल, सो -3x इज इक्वल टू 2 - 2x, सो वी गॉट x इक्वल टू -2, ठीक है, तो x जितने मिलते हैं आप बिल्कुल इन्हों का x कोऑर्डिनेट कितना है -2 है ना, और जब x की वैल्यू -2 है तो y कर लो, इतने पुट करो 2y² इक्वल टू 2y² इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू +1 एंड y इक्वल टू -1, तो की चाहता है हूँ पुत्र, एरिया बाउंडेड बिटवीन दैम, तो आ वाला एरिया चाहिए, तो अगेन डायग्राम बना लो, इधरों वेखोगे तो दिस क्लियरली ग्रीन वाली अपर कर्व है ना विद रिस्पेक्ट टू वाई, रोटेट द कॉपी, और आ लोअर कर्व है, सो दिस इज अपर माइनस लोअर फ्रॉम वाई इक्वल टू -1 to 1, या क्योंकि सिमेट्रिकली है तो वाई इक्वल टू आ वाला एरिया कर लो, उधर डबल कर दो, सो वाई इक्वल टू 0 to 1, एक्स अपर माइनस एक्स लोअर, ठीक है, सो आ फायदा एक्स के इतने फिलना पा जाना सी, तो एदी एक्स की वैल्यू कितनी है, एदी 1 - 3y² और एदी एक्स की वैल्यू कितनी है -2y², सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज, हाँ जी, -1 to 1, ठीक है, समझा रही गल, अपर एक्स की वैल्यू माइनस लोअर -2y² dy, और मोर ओवर इवन फंक्शन है तो दैट इज 2 टाइम 0 to 1, वो आ वाला एरिया आ जाएगा, वो तो डबल करता, ठीक है बेटे, सो आ बेनिफिट है, तो इस करके कोई क्वेश्चन, क्योंकि स्कूल्स से बहुत लिमिटेड ही एदा होंगे, तो कंपीटिशन कोई कोई क्वेश्चन आए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि भावें मैनशन किया होने एक्स से लेना या वाई से लेना, बट तुम वेखो कि कितने कन्वीनियंट है कितने ईजी है, ठीक है, आई होप इन्ना क्लियर है पुत्र।